अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं कुकिंग विद फेरीनाज यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा मजे का डिजर्ट। और ये डिजर्ट है रंगीन डिजर्ट, गाजर और फिरनी का रंगीन डिजर्ट, जो बनता है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही झटपट जल्दी से बन जाता है। तो गाजर और फिरनी का रंगीन डिजर्ट बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, 1/2 kg यहाँ पे मैंने क्रश की हुई गाजर ली है, इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया है। चावल का आटा लिया है यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून, कलरफुल सेवैयाँ ली हैं यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून, शुगर ली है यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बादाम लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून। मज़ेदार सा रंगीन गाजर और फिरनी का कलरफुल डिज़र्ट बनाने के लिए मैंने मिल्क लिया है 1 किलो, यानी कि 1 kg, और उसे मैंने बॉयल करने के लिए रखा है। तो चलिए झटपट से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मिल्क लिया है यहाँ पे मैंने 1 लीटर, और ये बॉयल हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कलरफुल हमारी सेवैयाँ। तो जैसे जैसे दूध अच्छा सा बॉयल होता जाएगा, ये सेवैयाँ जो हैं बिल्कुल पकती जाएंगी बॉयल होने के साथ साथ, और ये गल भी जाएंगी अच्छे तरीके से। सेवैयाँ गलने तक हम इसे पकने देंगे, दूध को बराबर से इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे। तो इसमें जो मैंने सेवैयाँ डाली थी कलरफुल सेवैयाँ, पास्ता सेवैयाँ, वो जो है बिल्कुल गल चुकी है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गाजर क्रश की हुई। तो इसके अंदर गाजर मैंने ऐड कर दी है, और अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि गाजर हमारी इसमें थोड़ी सी गल जाए अच्छे तरीके से। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर, यानी कि चीनी हस्बे ज़रूरत, आपको जितनी पसंद है आप उतने डाल लीजिए। अब इसे मिक्स करेंगे शुगर को। तो ये जो गाजरें हैं हमारी दूध के अंदर अच्छे से पक चुकी हैं और गल भी चुकी हैं। ये देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह से है, देखें गाजर जो है बिल्कुल ये गल गई है बिल्कुल। और यहाँ बराबर से जो है मैं चम्मच चला रही थी, और यहाँ से जो बराबर में मलाई लग रही थी कढ़ाई में, ये भी मैं बराबर से उतार रही थी ताकि जो है ये लगे नहीं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल का आटा 5 टेबल स्पून। पहले मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून डालूंगी, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें और भी ऐड कर दूंगी। 2 और ये 3, अभी मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऐड किया है, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसमें और भी ऐड कर दूंगी। और अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखिए मैं विक्स की मदद से जो है ये जितना भी मैंने पाउडर इसके अंदर ऐड किया है चावल का आटा, तो ये मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प्स ना रहें। तो ये देखें मैंने विक्स की मदद से जो है इसमें जितनी भी गुठलियाँ थी वो सब मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी हैं, और इसे अच्छे तरीके से इसे मैंने मिक्स कर दिया है। और अभी भी इसमें जो है गुंजाइश है, यानी कि इसके अंदर जो है चावल का आटा मुझे इसमें अभी और भी ऐड करना है, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। और अब मैं इसके अंदर और ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून। तो ये देखिए इसके अंदर जो है सारा चावल का आटा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, और अब मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी 5 मिनट्स तक बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। और बराबर से इसके अंदर इसी तरह से जो है मैं चम्मच चलाती जाऊंगी। ये डिज़र्ट जो है बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही यम्मी लगता है। अगर आप सब मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसे बराबर से जो है मैं चम्मच चलाऊँगी और साइडों पर जो मलाई आती जाएगी उसे उतारती जाऊँगी ताकि वो लगे नहीं और जले भी नहीं। इसे पकते हुए देखें बिल्कुल 5 मिनट हो गए हैं, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बादाम कटे हुए बारीक। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कटे हुए बादाम। तो अब इसे मिक्स करेंगे। तो रंगीन हमारा डिजर्ट जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, रंगीन सेवैयों की फिरनी हमारी तैयार हो चुकी है, और अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब इसे रूम टेम्परेचर पे जो है ठंडा करेंगे। तो ये हमारा डिज़र्ट जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है, और अब इसे डिश आउट कर लेंगे।
मज़ेदार से गाजर की फिरनी हमने इसमें निकाल ली है, डिश आउट कर ली है, और इसको गार्निश कर देंगे कटे हुए बारीक बादाम से। यार यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा डेजर्ट गाजर और कलरफुल सेवइयों की हमारी फिरनी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की और डिलीशियस बनी है। आप सब इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के पास बेल आइकन का जो बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं इसी तरह से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ठंडी मीठी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।